वेलकम यू ऑल, आप सभी का स्वागत है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग 2 की क्लास। जैसे कि लास्ट टाइम हमने इम्पोर्टेंट टर्म्स और टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हमारा जो सीवरेज सिस्टम है वो दो टाइप्स का होता है। पहला है कंजर्वेसी सिस्टम, दूसरा है वाटर कैरेज सिस्टम। इन दोनों के बारे में हमने डिटेल में लास्ट टाइम पढ़ा था। आज हम करेंगे वाटर कैरेज सिस्टम की आगे इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो वाटर कैरेज सिस्टम हमारे पास तीन टाइप का होता है। पहला है सेपरेट सिस्टम, दूसरा कंबाइंड एंड लास्ट है पार्शली कंबाइंड सिस्टम। आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये सिस्टम कैसे होते हैं, किस कंडीशंस में इनको हम यूज़ किए करते हैं, इसके एडवांटेज इनके डिसएडवांटेज क्या हैं, हमारे एरिया में कौन सा लगना चाहिए सिस्टम इनमें से। तो बेसिकली ये जो सिस्टम को इन्होंने डिवाइड किया है ये इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और इनमें कितनी सीवर्स होती हैं, सीवर्स माने पाइप, पाइप कितनी टाइप की होती हैं, दो होती हैं, एक होती हैं, उसके बेसिस पे हमने इसको अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। जो हमारा सेपरेट सिस्टम होता है, जैसे कि नाम ही बता रहे हैं, इसमें दो तरह की पाइप्स होती हैं या दो तरह के सीवर्स होते हैं। जैसे कि हम ड्राइंग में देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाए एक ब्लू कलर का सीवर है हमारे पास और एक है हमारे पास येलो कलर का सीवर। तो बेसिकली ये जो ब्लू कलर का सीवर है ये सिर्फ और सिर्फ पानी को ट्रांसफ़र करता है, स्टॉर्म वाटर को ये ट्रांसफ़र करेगा, ये डिस्पोज करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं रोड के साइड पे या स्ट्रीट में से जो भी पानी है हमारा वो ब्लू पाइप में जा रहा है, प्लस घरों में से जो एक्स्ट्रा रूफ वाटर है या फिर सफाई का पानी होता है जो क्लीन वाटर होगा जिसमें ज़्यादा इतनी इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी, वो सारा का सारा हमारा ब्लू पाइप या फिर कह लें ड्रेन पाइप में जाएगा, ड्रेन पाइप या ड्रेन सीवर में जाएगा। उसके साथ ही येलो पाइप, येलो पाइप को बेसिकली हम सैनिटरी सीवर बोलते हैं। सैनिटरी सीवर क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी सैनिटरी वेस्ट होता है हमारे घरों का, हमारे घरों का फॉल सीवेज जो होता है, गंदा सीवेज जिससे गंदी स्मेल आती है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है किचन का, जितना भी वेस्ट है वो सारा का सारा हमारा येलो या फिर कह लें सैनिटरी सीवर में जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, एक पाइप हमारा सैनिटरी सीवर को डिस्पोज कर रहा है और दूसरी पाइप हमारा जो क्या कर रही है वो ड्रेन्स को या ड्रेन वाटर जो भी है उसको ड्रेन आउट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सेपरेट सिस्टम। अब इसके एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। एडवांटेज इसके क्या है कि इसमें कॉस्ट इंस्टॉलेशन लो होती है। अब सपोज कर लीजिए आपके पास फंड्स नहीं है इसके लिए, अब फंड्स नहीं है तो फंड अरेंज नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि सेपरेट सिस्टम में सिर्फ सैनिटरी सीवर को ही प्रोवाइड करेंगे। हम ड्रेन जो है हमारी ड्रेन सीवर है या स्टॉर्म वाटर सीवर उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, एक ओपन चैनल बना सकते हैं क्योंकि ये सिंपल पानी को ही डिस्पोज कर रहा है। तो काफ़ी हमने देखा भी होगा विलेज एरियाज़ में कि साइड पे थोड़ी सी नाली जिसे बोलते हैं एक ड्रेन सी बनी होती है जिसमें से स्टॉर्म वाटर या फिर जितना भी क्लीन वाटर होता है उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो ये एक इसका एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज इसका क्या है कि क्योंकि हम सारा का सारा जो वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करते हैं फिर डिस्पोज करते हैं सो दैट वो पोल्यूशन ना कर दे, तो इसलिए इसमें क्या है कि हमारा जो मेजर पार्ट है रेन वाटर है या स्टॉर्म वाटर है या स्ट्रीट का पानी है वो अलग ही हम डिस्पोज कर रहे हैं और जो हमारा सैनिटरी है उसको अलग डिस्पोज कर रहे हैं। तो सैनिटरी को ट्रीट करना होता है, दूसरे को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो साफ होता है, इसलिए हमारे ट्रीटमेंट प्लांट जो लगा होगा उस पर लोड कम हो जाता है। ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है, जैसे पहले ही बता दिया कि फंड्स ना हो तो एक ही पाइप देके हम एक चैनल बना देंगे साइड पे जिससे पानी ड्रेन आउट हो सकता है। इसमें यूनिफॉर्मिटी कैसे है कि रेन वाटर जो है वो रेन वाटर में वाटर वाटर साइड में जा रहा है और जो सैनिटरी सीवर फॉल्स सीवेज है उसमें सिर्फ फॉल्स सीवेज ही रहेगा, इसलिए ये यूनिफॉर्म रहता है। छोटा साइज होने के कारण सैनिटरी सीवर का इसमें वेंटिलेशन भी इजीली हो जाती है और इसमें ड्राई वेदर की कंडीशन में, क्योंकि सैनिटरी सीवर का साइज़ छोटा है तो ड्राई वेदर की कंडीशन में इसमें फ़्लो की ज़्यादा हमें टेंशन नहीं होती क्योंकि स्मॉल साइज सीवर में फ़्लो भी अच्छे से करती है ये हमारा वेस्ट जो होगा। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसको क्लीन करना, जैसे बताया साइज़ सैनिटरी सीवर का बहुत ही छोटा होता है तो इसको क्लीन करने में भी उतनी ही मुश्किल आती है। सेकेंड पॉइंट है दे गेट चॉक्ड
ऑफन इसमें ब्लॉकेज बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। जैसे हमने लोकल भी देखा होगा, कई बार हमारे आस पड़ोस में मैन होल्स होते हैं, गटर होते हैं, जो वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जो सीवर का साइज़ होता है हमारा, सैनिटरी सीवर का, वो छोटा होता है, इसलिए चॉकिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और अल्टीमेटली ये कॉस्टली भी हो जाता है। इन केस सपोज कर लीजिए आपको ड्रेन के लिए भी ही प्रोवाइड करनी है पाइप, हमें सीवर ही चाहिए ड्रेन के लिए भी और सैनिटरी सीवर के लिए, तो अल्टीमेटली हमें दो पाइप्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जिसके कारण ये कॉस्टली हो सकता है। कई बार क्या होता है, हमने घरों में नया घर बनाया, घर बनाना है तो हमें कनेक्शन भी देना पड़ेगा। जैसे ही हमने कनेक्शन दिया तो गलती से कई बार हम ड्रेन पाइप में हमारा सैनिटरी सीवेज वाला कनेक्शन दे देते हैं और सैनिटरी में हम ड्रेन दे देते हैं। देर कैन बी ए कन्फ्यूजन ऑफ दीज पाइप्स। नेक्स्ट है हमारे पास कंबाइंड सिस्टम। जैसे कि नाम ही इसका बता रहा है, कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है कि दोनों, हमारी सैनिटरी सीवर और हमारा ड्रेन सीवर, ये दोनों ही कंबाइंड एक ही पाइप में होते हैं। इसमें सैनिटरी फॉल सीवेज जो होगा वो भी इसी में जाएगा, स्टॉर्म वाटर होगा, रूफ वाटर, सफाई वाला पानी, सब इसी में ही चला जाएगा। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कंबाइंड सिस्टम। अब इसके एडवांटेज क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही सीवर चाहिए होता है, तो ये भी एक एडवांटेज है इसमें। अब एक सीवर है तो इसका साइज़ जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बड़ा साइज़ देना पड़ेगा पाइप का, दो लोड जा, दोनों वाटर, स्टॉर्म वाटर और सैनिटरी का लोड सिर्फ एक ही पाइप में जा रहा है, तो इसमें चॉकिंग होने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं। और प्लस साइज़ बड़ा होने के कारण क्या होता है, जो भी इसमें से स्मेल निकलती है या जो भी इसमें फॉल स्मेल पाइप में आती है, तो वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाती है इसके बड़ा साइज़ होने के कारण। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। क्योंकि इसका पाइप का साइज़ बड़ा है, तो बड़े साइज़ की पाइप के लिए एक्सकवेशन भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी डेप्थ में हमें एक्सकवेट करना पड़ेगा, इनको पाइप्स को हैंडल करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, वहाँ पर लाना, फिर इसको डाल के इसको प्रॉपर कनेक्शन देने, तो जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी इसकी कॉस्ट इंस्टॉलेशन की बढ़ती जाएगी। सेकंड पॉइंट भी हमें यही बता रहा है कि हैंडल और ट्रांसपोर्ट करना इसको मुश्किल होता है। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, क्योंकि यहाँ इसमें हमारे पास सैनिटरी और नॉर्मल स्टॉर्म वाटर दोनों ही एक पाइप में जा रहे हैं, तो जब ये अल्टीमेटली डिस्पोज करना है तो हमें दोनों ही पोर्शन को ट्रीट करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट प्लांट में लोड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। रेनी सीजन में क्या होता है कि पानी ज़्यादा जाता है हमारा, स्टॉर्म वाटर, जो स्टॉर्म वाटर है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होने के कारण ओवरफ्लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रीट्स में कई बार देखा होगा पानी जो है वो मैन होल से बाहर आ जाता है, जिसके कारण हमें स्मेल आती है या फिर अनहाइजीनिक हो जाता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। और एक और लास्ट डिसएडवांटेज है इसका कि जो बड़ी पाइप्स होती हैं, जब उसमें पानी या कोई भी चीज़ फ्लो करती है सिल्टेड, जिसमें कुछ मटेरियल सॉलिड भी इंक्लूड होता है, तो वो सिल्टेड बहुत ही जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल पाइप्स। तो बड़ी पाइप का ये नुकसान है, इसमें सिल्टिंग होना बहुत ही आसान होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्शली कंबाइंड सिस्टम। पार्शली कंबाइंड सिस्टम में भी सेम कंबाइंड सिस्टम जैसा ही एक पाइप होती है, जिसमें सैनिटरी और स्टॉर्म वाटर का दोनों का वेस्ट एक ही पाइप में जाता है, बट इसमें एक और पाइप इंस्टॉल कर दी जाती है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, कंबाइंड पाइप के साथ ही एक ओवरफ्लो की पाइप का नाम भी दिया गया है, जो कि ऊपर से उसके निकाली गई है, तो इसीलिए इसको पार्शली कंबाइंड सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ओवरफ्लो की पाइप भी इंक्लूड होती है। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारा पानी का ओवरफ्लो, जैसे कि लास्ट में हमने देखा था कि ओवरफ्लो होने के कारण घरों से पानी स्ट्रीट में आ जाता है, तो इन पाइप्स में क्या होता है कि ये जो ओवरफ्लो की पाइप है, जैसे ही ओवरफ्लो बढ़ता है स्टॉर्म वाटर के कारण, तो जो जितना भी ऊपर पानी आता है वो ओवरफ्लो पाइप के थ्रू किसी अलग जगह पर जाकर डिस्पोज हो जाता है, और मैन होल से जो पानी है वो बाहर नहीं आता। ये एक इसका एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू कंबाइंड। अब इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें पहला एडवांटेज है क्लीनिंग देम इज इजी, क्योंकि साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा होने के कारण क्लीनिंग करना भी आसान होता है। इसमें बहुत सेपरेट और कंबाइंड सिस्टम दोनों के एडवांटेजेस इंक्लूड होते हैं। इसमें चॉकिंग के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि कंबाइंड है तो उसका साइज़ जो डाया है हमारा सीवर का वो भी बड़ा होगा।
इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में देखेंगे तो ड्राई वेदर में इसकी वेलोसिटी थोड़ी लो होती है, जैसे कि सेपरेट में सैनिटरी की वेलोसिटी ज़्यादा थी ड्राई में, वेरेज कंबाइंड में हमारे यहाँ से पार्शली कंबाइंड में क्या होगा, डाया ज़्यादा होने के कारण इसकी वेलोसिटी काफ़ी कम होती है। सेकंड पॉइंट है इट इंक्रीज द ट्रीटमेंट लोड, जैसे ही कंबाइंड जो हमारा सैनिटरी और स्टॉर्म वाटर डिस्पोज ऑफ पोजीशन पे पहुँचेगा वहाँ पर हमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा। अब जो ट्रीटमेंट है स्टॉर्म वाटर की नहीं चाहिए होती, पर क्योंकि ये दोनों मिक्स्ड हैं तो हमें दोनों को ही ट्रीट करना पड़ेगा। थर्ड है हमारे पास इट ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ पंपिंग, कभी कभी क्या होता है कि जब हम ट्रीट करते हैं ट्रीटमेंट के बाद हमें पानी पंप करके बाहर फेंकना पड़ता है, तो वो पंपिंग के जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें जो हमने ट्रीटमेंट की है पानी या फिर सीवेज की तो वो ज़्यादा है, तो ट्रीटमेंट ज़्यादा हुई तो जो पानी फिल्टर आउट होगा उसको पंप आउट करना भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चॉइस ऑफ सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में हमें अगर कोई सिस्टम सिलेक्ट करना है तो किस बेसिस पे सिलेक्ट करना होगा, तो दोस्तों इसको काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट ही हमारे पास है फंड्स। फंड्स कैसे हैं आपके पास, नॉर्मली विलेज एरियाज़ में चले जाएं तो फंड्स नहीं होते इतने, तो वो ओपन चैनल बना देते हैं, सेपरेट सिस्टम बनाते हैं सीवरेज के लिए, सीवरेज वेस्ट जो होता है या फिर हमारे पास जो भी फॉल्स में सीवेज जो होता है उसके लिए एक पाइप इंस्टॉल कर देते हैं, पर जो स्टॉर्म वाटर या नॉर्मल वाटर होता है उसके लिए एक नाली सी साइड पे चैनल निकाल देते हैं। तो जब फंड्स ना हो तो सेपरेट सिस्टम बेस्ट रहता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एरिया। अब जो सेपरेट सिस्टम है हम बिगर सिटीज़ में नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी दो दो पाइप्स इंस्टॉल करने की, इसलिए हम वहाँ पर कंबाइंड सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं। कंबाइंड सिस्टम में एक ही पाइप जाएगी, एक पाइप जाने के कारण सारा हमारा जो स्पेस टाइम और टाइम बचेगा। अगर सपोज़ कीजिए मुझे सेपरेट करना है, सेपरेट के लिए स्पेस भी मुझे ज़्यादा चाहिए होगी, उतनी एक्सकवेशन करूँगा, रोड ब्लॉकेज होगी, और सिटीज़ में हम नहीं अफोर्ड कर सकते ब्लॉकेज या ट्रैफिक, तो इसलिए हमें कंबाइंड एक ही पाइप डालनी है, कंबाइंड पाइप से ही हमारा सारा वेस्ट चल जाएगा। तो लास्ट में सॉरी, ये पार्शली कंबाइंड सिस्टम है जिसको सेपरेट लिख दिया गया है, तो पार्शली कंबाइंड सिस्टम हमें उससे भी लार्जर पॉलिटियन सिटी अगर होगी तो उसमें यूज़ करना है, क्योंकि उसमें अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो हम फॉल्स मैल आए, मैन होल से पानी बाहर आ जाए, ये अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत बड़ी सिटीज़ में, दिल्ली जैसी सिटी में, मुंबई जैसी सिटी में, तो वहाँ पर हमें पार्शली कंबाइंड सिस्टम यूज़ करना होता है, सो दैट जो भी ओवरफ्लो है वो बाहर कहीं अलग से डिस्पोज हो जाए। और भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जैसे रेनफॉल, जिन एरियाज़ में रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ सेपरेट सिस्टम लगाना चाहिए, क्योंकि पानी का जो होता है, जैसे ईस्ट इंडिया की साइड देख लें तो वहाँ पर रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उस एरिया में हमें सेपरेट सिस्टम यूज़ करना चाहिए। राजस्थान एरिया में देख लो ड्राई रहता है, तो ड्राई एरिया में हमें अलग से सेपरेट सिस्टम नहीं बनाना, हमें एक ही कंबाइंड सिस्टम चाहिए, और कंबाइंड सिस्टम में ही दोनों डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। तो डिफरेंट एरिया के हिसाब से डिफरेंट सिस्टम लगता है, तो यही है हमारा चॉइस ऑफ सिस्टम इन इंडिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या क्लासरूम में पूछिए, एंड जस्ट स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।